को सतहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की विद्यालय परिवार की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी लोग यहां पर अपने देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और इस श्रृंखला में हम अपने प्राचार्य महोदय से अनुरोध करते हैं कि वो ध्वजारोहण करने की कृपा करें। जैसे ही ध्वजारोहण नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा ग्रामीण उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे आहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस चंद्रशेखर आजाद सर यहाँ और इस श्रृंखला में हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल मोरिया सर से अनुरोध है कि हेला सर को बैच लगाकर सम्मानित करने का सत्य है। आज हमें स्वाधीन हुए 76 साल पूरे हो गए
75वां स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए हम सब यहाँ पे एकत्र हुए हैं। आज का दिन बड़े हर्ष का दिन है, बड़े उल्लास का दिन है। आज के दिन स्वतंत्र रूप से हम सांस ले रहे हैं अपने देश में, अपने मन के मुताबिक हम काम करने के लिए स्वाधीन हैं। एक दिन ऐसा था कि हम स्वतंत्र होकर नहीं जी पा रहे थे, स्वतंत्र होकर अपना कार्य नहीं कर पा रहे थे, और एक आज का दिन है कि हम स्वतंत्र होकर सब कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं। इस बीच का जो संघर्ष रहा उसे याद करने का दिन है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हमें कोई सी चीज़ की सफलता मिल जाती है तो हम पीछे का जो भी संघर्ष है वो भूल जाते हैं। आज का दिन वो संघर्ष याद करने का दिन है। कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कितने लोगों ने अपने परिवारों को छोड़ा, कितने घर के बच्चे अनाथ हो गए, कितनी महिलाएं विधवा हो गईं, कितनी बहनें अपने भाई के लिए तड़पती रही हैं, कि उन सभी बलिदानों को हम याद करें, उन संघर्षों को याद करें, उन त्याग उस त्याग को याद करें जिस त्याग की बदौलत आज हम स्वतंत्र होकर खड़े हैं। यहाँ पर हम शिक्षा पा रहे हैं, स्वास्थ्य पा रहे हैं, हम रोजगार पा रहे हैं, जिसके हकदार थे वो सब कुछ हमें मिल रहा है। वास्तविकता में ये सोचने का दिन है, क्या इसी दिन के लिए हम इतना सब कुछ संघर्ष जो किया था वो प्रतिफलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उन्होंने जो किया उसका प्रतिफल हमारे सामने है। सबसे बड़ी चीज उस समय हमारे सामने थी कि रहने के लिए कपड़ा घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, जिसे हम मूलभूत आवश्यकताएं कहते थे। आज वही आवश्यकताएं वही है, बस उनका थोड़ा सा स्वरूप चेंज हो गया है। आज जो चीज रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए भोजन था, वही तीनों चीजें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ने उसका स्वरूप ग्रहण कर लिया। वो तीनों चीजें तो पूरी तरीके से हमारे पास हो गई, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, वही तीनों जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो हमारे सामने दूसरे स्वरूप में खड़ी। हमें काम करना है इन चीजों पे। जिस प्रकार हर घर के लिए भोजन पर्याप्त हो गया, लगभग पर्याप्त है इस समय, इस प्रकार क्या शिक्षा हर घर के लिए पर्याप्त है, क्या स्वास्थ्य हर घर के लिए पर्याप्त है, या बेरोजगार जो है उनके लिए क्या पर्याप्त रोजगार हमारे देश के लिए है। इन सब चीजों की जिम्मेदारी आज हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है। आप देश के भविष्य हो, युग निर्माता हो आप लोग, तो ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है कि देश को हम किस दिशा में ले जाए ताकि उसकी दशा बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत हो पाए। इस सबसे बड़ी चीज है कि जिम्मेदारी। जिस दिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझने लगेंगे उस दिन हमारा देश दिनों दिन प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी जिम्मेदारी को दूसरे के कंधों पर डालना चाहते हैं, प्रतियोगिता करते हैं अपने से बड़े वाले से। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रतियोगिता किसी दूसरे से नहीं, कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं, कंपटीशन हमें अपने स्वयं से करना चाहिए। एक कदम आगे बढ़े, जिस दिन हमने ये करना सीख लिया, दूसरे से प्रतिस्पर्धा कभी मत करो, अपने से प्रतिस्पर्धा करो कि आज जो है हम कल वो नहीं रहेंगे। एक कदम आगे बढ़ेंगे, भले ही कुछ ही बढ़े, चला सा बढ़े, किसी भी क्षेत्र में बढ़े। हम ये नहीं कहते आप शिक्षा के क्षेत्र, पढ़ाई के क्षेत्र में, आप खेल के क्षेत्र में पढ़ो, किसी भी क्षेत्र में पढ़ो, लेकिन जो आज हो वो कल न रहो। कुछ न कुछ बदलाव होना चाहिए, और जिस दिन हमने ये नियम बना लिया उस दिन हमें कोई नहीं रोक सकता कि हम अपनी सफलता के सर्वोच्च शिखर को कितनी आसानी से प्राप्त कर सकते। बस ये संकल्प, ये दृढ़ संकल्प हमें अपने अंदर जगाना होगा कि हम जो आज है वो कल नहीं रहेंगे, कुछ न कुछ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ठहरे हुए पानी में कीड़े पड़ जाते हैं, और बहते हुए पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। पानी भले ही वो गंदा हो, अगर बह रहा है तो कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। हमें बहना सीखना है, ठहरना नहीं। हम जीवन में आगे बढ़े, ये जीवन रूपी जो हमारी सरिता है, नदी है, इसको बहते हुए रखना है। अगर ठहर गए तो इतने सारे कुविचार, इतनी सारी गलत आदतें, जितना सारा हमारा आदत, सब कुछ हमें घेर लेगा। विद्यालय के प्राचार्य सर से अनुरोध करेंगे कि हमारे बच्चों को आशीर्वचन के रूप में दो शब्द कहें। प्राचार्य सर, सभी एक साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने सभी शिक्षक साथियों को, ऑफिस स्टाफ को, सभी परिजनों को तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। प्यारे बच्चों, आज संपूर्ण भारत बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में सभी नवोदय विद्यालयों में यह कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अभी इस अवसर पर अमित सर ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी कि किस प्रकार से देश हमारा जब गुलाम था तो कैसे कैसे हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता था और बाद में फिर देश हमारा आजाद हुआ और आज आजादी के 77 वर्ष हो गए हैं। देश हमारा निरंतर प्रगति कर रहा है। आज हमारा देश आगे बढ़ते हुए हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, अर्थ जगत का क्षेत्र हो, सभी देशों में सबसे आगे भारत देश बढ़ रहा है। जब हम आगे 2047 में आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे तो ये हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उसमें हमारा देश विश्व में नंबर एक देश हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि बच्चों आपको विदित है कि आज हमारा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहा है। इसका अर्थ है कि भारत को स्वतंत्र हुए लगभग 76 साल बीत गए, लेकिन भारत को स्वतंत्र होना इतनी आसानी से नसीब नहीं हुआ था। आप सभी को मालूम है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए हमारे देश प्रेमियों ने, राष्ट्रवादियों ने, महान नेताओं ने अनेक प्रकार की कुर्बानियां दी, तब जाकर आज का दिन देखना हमको नसीब हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जो बड़े बड़े आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलाए गए थे, उससे ब्रिटिश सरकार को लग गया था कि भारतीय जनता का प्रत्येक वर्ग उनके शासन का विरोधी हो चुका है, इसलिए अब भारत में उनका शासन ज्यादा समय चलने वाला नहीं है। लेकिन 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब ब्रिटिश सरकार को एहसास हो गया अब उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं बची है कि भारत और अपने जितने भी प्रदेश हैं उनका शासन प्रमुख मान लें, इसलिए उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने का निश्चय कर लिया। तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था। बच्चों एक बार बताना चाहूंगा कि 15 अगस्त 1947 को रात के जब 12 बजे तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसको बोलते हैं नियत के साथ साक्षात्कार। जिस समय उनका भाषण प्रारंभ हुआ था पूरे देश में आजादी की खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन ठीक उसी समय भारत में कुछ लोग थे जिनके सामने विस्थापित होने का दुख हो रहा था, विस्थापित होने का डर महसूस हो रहा था। लगभग 1.5 करोड़ लोग थे जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बनाई गई छाया सीमा रेखा को पार करने के लिए मजबूर हो गए, हिंदू मुसलमानों के बीच में भयंकर सामुदायिक दंगे हो रहे थे जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। तो भारत स्वतंत्र जरूर हो गया था, लेकिन इस स्वतंत्रता की एक बहुत बड़ी कुर्बानी हमारे देश को देनी पड़ी थी कि हमारी स्वतंत्रता के ठीक एक दिन पहले भारत विभाजित हो गया और पाकिस्तान नामक एक नए राष्ट्र का निर्माण कर दिया। तो आज भारत को स्वतंत्र हुए 76 साल बीत गए,
भारत ने 76 सालों में बहुत सारी उपलब्धि हासिल की है। जहाँ तक मुझको याद आता है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में एक सुई नीडल भी नहीं बनती थी, लेकिन आज हमारा देश फाइटर प्लेन बना रहा है। आज चंद्रयान मिशन के अंतर्गत हमारा देश अंतरिक्ष में पहुंच गया है, नई नई उपलब्धियाँ हासिल की जा रही है। तो कुल मिलाकर हमने हर क्षेत्र में प्रगति की है। तो ये जो प्रगति आज हमारे सामने है, उसके लिए हम अपने उन पूर्वजों के ऋणी हैं जिन्होंने अपना बलिदान देकर आज स्वतंत्र भारत में हमारे लिए नए नए अवसर पैदा किए। तो बच्चों, आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त की खुशियाँ पूरा देश मना रहा है। आज हम भी 15 अगस्त अपने स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि सर ने बताया, स्वतंत्र